यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कमाल है यार, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे तुमने तो दुबई से वापस आके मुझे इत्तला तक नहीं की। ये तो मुझे अनुषी से पता चला कि तुम वापस आ चुके हो। अनुषे से अभी इब्राहिम को अनुषा के बारे में बताना मुनासिब नहीं है। वो एक्चुअली तुम्हारा नंबर बन जा रहा था तो मैंने घर पे कॉल कर लिया, अनुषी ने पिक किया तो उसी ने मुझे बताया कि तुम वापस आ चुके हो। हाँ यार, और आते ही ये सब कुछ हो गया। शायद ये कुछ ज़्यादा की मोहब्बत ही थी जो मुझे दुबई से वापस खींच लाई, और ऐन वक्त पर आकर मैंने सब कुछ संभालिया, वरना वरना शायद आज कुछ ज़्यादा किसी और की हो जाती। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ये आंटी वाला मामला ना गड़बड़ है। कैसे राजी करोगे उन्हें? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने किस बात का गुस्सा निकाला कुत्सिया पे। गलत आंटी ने किया और तुमने डांट कुत्से को दिया, इसमें भला उसकी क्या गलती थी? उसने तो अपनी सोच और समझ के मुताबिक सही बात की। यार तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था यार। शायद तो ठीक कह रहे, लेकिन सच पूछो तो ये मामा का इस तरह मुझसे फोन छीनना मुझे अच्छा नहीं लगा। आई मीन दैट्स नॉट हर कैलिबर, और इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। और निकाल तुमने कुत्सिया पे दिया।